ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, क्या चल रहा है वहां पर? हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे देश में भी विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर हो रहा है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसे रोका जाना चाहिए तुरंत। इसी बात को लेकर हमारे देश में आवाज बुलंद की जा रही है। अब बांग्लादेश और भारत का नाता क्या है, अगर कोई ये पूछे तो हैरानी तो होगी, लेकिन जरा ये सोचिए कि जो मुल्क आज दुनिया के नक्शे पर अगर दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे भारत है। वो भारत ही था जिसने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम से छुटकारा दिलाकर मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर इस देश को बांग्लादेश बनाया, वरना यह तो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। वो भारत ही था जिसने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना बड़ा सिलेंडर जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कौन भूल सकता है वो तस्वीर? लेकिन शर्मनाक बात तो ये है, ये तस्वीर, ये इतिहास मिटाने के लिए आज उसी देश के लोग आमादा हैं जो उस मुल्क में रह रहे हैं जो भारत की देन है। जी हां, जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करती है और ये भी बताती है कि एहसान फरामोशी की परिभाषा क्या होती है। बीते दिनों जो तस्वीर सामने आई थी, बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया था, और जिससे बांग्लादेश बना है। जब बांग्लादेश बना था तो कैसे बना था, ये सब भूल गए क्या? बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीब नगर में स्मारक बना था, भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का यह प्रतीक था, इसे तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर दस्तखत किए गए थे। तस्वीर याद होगी आपको, इस स्मारक में यही छवि दिखाई गई थी, यही बताया गया था, हटा दिया गया। अब आते हैं बांग्लादेश में चल क्या रहा इस पर। तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस लौटने के लिए कह दिया है। गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत कह रहे हैं कि हसीना को देश से निकाला नहीं गया था, वो खुद भागी थी। उन्होंने कहा है कि वो वापस लौट सकती हैं चाहे तो, देश में फिर से हालात न बिगाड़े। सखावत ने यह भी कहा कि हसीना के दिल्ली में रहने से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अटॉर्नी जनरल ऑफिस के 70 सरकारी वकीलों ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में 215 सरकारी वकील काम कर रहे थे। इसके अलावा खबर यह भी आई कि वहां पर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में रविवार को बरी कर दिया गया था। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने यूनुस पर भ्रष्टाचार के मामले में मामला दर्ज किया था। और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेशी अखबार यह बता रहा है कि एंटी करप्शन कमीशन ने ही ढाका कोर्ट में दाखिल अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। मोहम्मद यूनुस पर ग्रामीण टेलीकॉम के चेयरमैन रहते हुए श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था, और 13 उनको समेत कुल 13 लोग थे जिन पर ग्रामीण टेलीकॉम के कर्मचारियों के प्रॉफिट फंड से 18 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर जानकारी यह भी आ रही है कि वहां पर पुलिस वाले जो विरोध जता रहे थे, पुलिस अधिकारी हड़ताल वापस लेने पर अब राजी हो गए। अंतरिम सरकार ने भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने यह फैसला किया कि वो काम पर वापस लौटेंगे धीरे धीरे। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें अमेरिका का हाथ होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन एक बयान जो है वो सामने आया और इसको लेकर अब शेख हसीना के बेटे ने सफाई पेश की। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे हैं साजिब वाजिद जॉय, जो दावा कर रहे हैं कि उनकी मां ने इस्तीफे से जुड़ा कोई भी बयान नहीं दिया है। जॉय ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिखा है कि अखबार में उनकी मां के नाम से बयान जारी कर दिया गया और वो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बयान है। जॉय ये भी कह रहे हैं उनके बेटे कि मैंने मां से बात की और उन्होंने बताया कि ढाका छोड़ने से पहले या बाद में ऐसा कोई बयान शेख हसीना ने दिया नहीं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के जरिए से मीडिया को भिजवाए संदेश में यह दावा किया कि उन्हें सत्ता से हटाने में अमेरिका का हाथ है। इससे पहले 2021 में भी बांग्ला अखबारों में यह दावा किया गया था कि अमेरिका बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप जो है उसकी मांग कर रहा था, यहां पर वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। इसके बाद बांग्लादेश वर्कर पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान मेनन ने भी संसद में यह कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप हासिल करना चाहता है। इतना ही नहीं,
26 मई को इसी साल 14 पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें शेख हसीना ने एक व्हाइट मैन का जिक्र किया था, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया था। Stories that you're hearing, they're just rumors. My mother has not reached out to any country. She has not applied for asylum anywhere. Right? She wants to go back. इस बीच वहां पर हिंदुओं पर जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जान ली जा रही है, मारा जा रहा है। भारत में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। दूसरी तरफ इसी के विरोध में बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू सड़क पर आ गए। उनकी कुछ मांगे भी है। मांगे क्या क्या है ये आपको बताते हैं। हिंदू छात्रों की अहम मांगे हैं, हिंदुओं पर हमले के मामले में तुरंत सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए, ये मांग उनकी है। अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू होना चाहिए बांग्लादेश में, ये उनकी मांग है। हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को फाउंडेशन में अपग्रेड करना चाहिए, ये उनकी मांग है। पाली एजुकेशन बोर्ड का आधुनिकीकरण किया जाए, ये भी मांग है। दुर्गा पूजा जो होती है इस दौरान 5 दिनों की छुट्टी घोषित की जानी चाहिए, ये भी मांग वो कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना होना चाहिए, ये भी मांग है। और तो एक मांग और है, कुल 7 मांगे हैं, और इसमें 7वीं मांग जो है अल्पसंख्यकों के लिए संसद में 10% सीटें रिजर्व की जाए, ये इनकी मांग है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और भारत में इसको लेकर विरोध हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के हिंदुओं की तुरंत रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जो अभी अंतरिम सरकार है उससे बातचीत भी की है, बधाई भी दी, वहां पर नई सरकार बन गई इसके लिए, और उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश के संबंध आगे भी वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले रहे। तो कुल मिलाकर वहां जो आज का घटनाक्रम हुआ, जो मूर्तियां तोड़ दी गई, पहले शेख मुजीबुर रहमान की, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, देश को आज़ाद कराया, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। इसके बाद 1971 में जो कुछ हुआ जिससे बांग्लादेश बना वो इतिहास, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों की जा रही है, कौन इसके पीछे लोग हैं, क्योंकि हो नहीं सकता ये कि शायद ये वही लोग हों जो बांग्लादेश से जुड़े और जिस जो बांग्लादेश को अपना देश मानते हैं। क्योंकि बांग्लादेश जिससे है, जो यादें हैं उसको मिटाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, वो तो जाहिर तौर पर कोई अराजक तत्व या ऐसे लोग हो सकते हैं जो बांग्लादेश की आज़ादी के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। दर्द किसको हो रहा होगा, आप समझिए कि बांग्लादेश बना तो सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको थी, पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं फिर ये बात निकल कर सामने आती है, क्या इसमें और कोई ताकतें अभी भी शामिल हैं जो साजिशें लगातार रच रही हैं, जो उस इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास कभी मिटता नहीं है, लोगों के दिलो दिमाग में तो अंदर वो बैठा हुआ है, उनको याद है, और उसको आप कभी नहीं मिटा सकते। मूर्तियां तोड़ सकते हैं लेकिन उस इतिहास को आप कभी नहीं मिटा पाएंगे।